त्वं हि नः पिता वशो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे अधाते सुम्नमीमहे। ओम खं ब्रह्म व्याख्यान वेदी पर विराजमान समस्त विद्वज्जन समक्ष बैठे हुए आदरणीय भद्र पुरुषों पूजा एवं सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, आज इस व्याख्यान श्रृंखला में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आपके बीच में कि यदि वेद का सिद्धांत जानना चाहते हो, यदि दर्शनों और उपनिषदों को समझना चाहते हो, तो उससे पूर्व जानना पड़ेगा कि आर्य समाज के 10 नियम क्या हैं। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद आदि आर्ष ग्रंथों को पढ़ने से पूर्व लिखा है कि इन आर्य समाज के 10 नियमों को समझा जाए। और ये आर्य समाज के नियम क्या हैं? जैसे आपने ताला देखा है, ताले को खोलने के लिए एक चाबी होती है। ताला, ताला किसका प्रतीक है? ताला बंधन का प्रतीक है। और उस ताले को खोलने के लिए जो चाबी है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है। यानी यदि बंधन से छूटना चाहते हो तो चाबी की आवश्यकता पड़ेगी, बिना चाबी के बंधन से छूटा नहीं जा सकता। और चाबी जो है ताले को खोलने के लिए, बंधन से आजाद होने के लिए, वो महर्षि दयानंद ने कहा है कि नारी समाज के 10 नियमों को जानो। तो चलिए आज एक नियम पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का 6ठा नियम लिखा है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अब जब मैंने इस नियम को पढ़ा तो मैंने विचार किया कि निश्चित रूप से इस नियम को लिखने के पीछे स्वामी जी की एक बहुत बड़ा दर्शन रहा होगा, एक बहुत बड़ी दार्शनिक सोच रही होगी। आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले लिखा है यदि समाज का, संसार का यदि उपकार करना चाहते हो तो आपको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला क्या है? शारीरिक उन्नति, फिर आत्मिक उन्नति और उसके बाद में सामाजिक उन्नति। अब देखो, ऋषि ने कर्म से लिखा है, कर्म नहीं बदला इनका। ये नहीं कहा कि पहले सामाजिक उन्नति करो, नहीं, सबसे पहले लिखते हैं कि शारीरिक उन्नति अति आवश्यक है। यदि आपने शारीरिक उन्नति की है तो उसके बाद में आत्मिक उन्नति करिएगा, और जब ये दोनों उन्नति आपकी हो जाएंगी तभी आप सामाजिक उन्नति करने में सफल हो जाओगे। तो स्वामी दयानंद जी का यह बहुत बड़ा दर्शन है। और जब मैंने इसको पढ़ा तो पढ़ने के बाद में विचार किया कि निश्चित रूप से स्वामी जी ने बहुत सारे महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ा और उन जैन चरित्रों को पढ़ने के बाद में स्वामी जी ने पाया होगा कि जिन जिन लोगों ने इस क्रम से शारीरिक उन्नति की, आत्मिक उन्नति की, वही समाज में धर्म स्थापित करने में सफल हुए हैं, वही सामाजिक उन्नति करने में सफल हुए हैं। अब चलिए थोड़ा सा विचार कर लेते हैं इस बात पर, यह शारीरिक उन्नति होती क्या है और शारीरिक उन्नति का फल क्या होता है। शारीरिक उन्नति करने के बाद में व्यक्ति किस प्रकार से आत्मिक उन्नति में सहायक होता है। देखो, आपने सुना भी होगा, आम लोग, हमारे बुजुर्ग लोग कहा भी करते हैं कि सबसे पहला सुख है निरोगी काया। जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है उसका आध्यात्मिक गतिविधियों में भी मन लगेगा। ध्यान करने बैठेगा तो घुटनों में दर्द नहीं होगा, ध्यान करने बैठेगा तो विभिन्न प्रकार की आदि व्याधि नहीं सताएंगी। अगर व्याधियों से बचना है तो शरीर को हष्टपुष्ट रखना पड़ेगा, स्वस्थ रखना पड़ेगा, और यह सब होगा आसन, प्राणायाम आदि करने से। यह सब होगा अच्छा पौष्टिक आहार लेने से।
अब जब मैंने इस आर्य समाज के छठे नियम को पढ़ा तो मैंने निश्चित रूप से एक बात और देखी है कि कुछ व्यक्ति समाज में, कुछ व्यक्ति हमारे इतिहास में ऐसे भी मिलते हैं जिनके पास में एक उन्नति थी तो वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए, और जिनके पास में दोनों उन्नति थी, शारीरिक और आत्मिक उन्नति, वो समाज की उन्नति करने में सफल हुए हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको महाभारत काल से। महाभारत काल में जिनको सबसे वृद्ध माना जाता था, आयु में भी सबसे वृद्ध थे और बलवान भी बहुत थे, बहुत शारीरिक उन्नति की थी, उनका नाम था दादा भीष्म पितामह। और शारीरिक उन्नति कितनी थी इसका एक छोटा सा प्रमाण मिलता है, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला था, युद्ध चल रहा था और भीष्म पितामह को सेनापति बना दिया गया, तो दुर्योधन को बड़ा डर लग रहा था। दुर्योधन बड़े कष्ट में था तो वो रात में भीष्म पितामह के शिविर में गया और जाकर के कहने लगा कि पितामह मैं बड़ा व्यथित हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या इस पांडवों की सेना का सामना कर पाएंगे, क्या इसको हरा पाएंगे। तो दादा भीष्म पितामह एक उत्तर देते हैं दुर्योधन से और वो कहते हैं कि पुत्र चिंता मत कर, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति कृतज्ञ हूं, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति, और जब तक मेरे प्राणों में प्राण है, जब तक मेरे श्वास चल रहे हैं, हस्तिनापुर की तरफ कोई आंख भी उठा करके नहीं देखेगा। और वो एक बात वहां पर कहते हैं कि मैं अकेला, निश्चिंत हो जाइए, चिंता मत करिए, मैं अकेला 10,000 योद्धाओं को परास्त करने की क्षमता रखता हूं। तो अनुमान लगाइए आप कितना शारीरिक बल होगा, कितने बलवान होंगे, अकेला व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी आयु में और 10,000 योद्धाओं को अकेला परास्त करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता हो तो शारीरिक बल कितना होगा। लेकिन जब आत्मिक बल का जिक्र करते हैं तो विचार करिएगा सज्जनों, जिस समय दुशासन द्रौपदी को खींच करके सभागार में ला रहा था उस समय दादा भीष्म भी वहां पर विद्यमान थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य जैसे महारथी भी वहां पर विद्यमान थे, और द्रौपदी चिल्ला चिल्ला करके सबसे कहती है कि इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो, दादा भीष्म जो 10,000 योद्धाओं को परास्त करने की क्षमता रखता हो, ऐसा महारथी उस समय गर्दन नीची करके बैठ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि शारीरिक बल तो बहुत था किंतु आत्मिक बल, आत्मिक बल नहीं था, आत्मिक बल में कमी थी। इस कारण से सामाजिक उन्नति करने में, इस कारण से अधर्म का उसी समय प्रत्युत्तर देने से हिचकिचाते हैं। और एक दूसरे मही पात्र मिलते हैं जिनमें आत्मिक बल तो बहुत था लेकिन शारीरिक बल नहीं था। कौन थे वो? उनका नाम था विदुर। जिस समय द्रौपदी का अपमान हो रहा था, रजस्वला एक वस्त्र वाली स्त्री को दुशासन सभा के अंदर खींच करके लाया, उस समय विदुर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं कि जिस सभा में स्त्री का अपमान होता हो वहां मैं एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरूंगा, और उठ करके चले जाते हैं। क्यों चले गए? आत्मबल तो था, जो कहना था वो सबके सामने कह दिया, किंतु शारीरिक बल नहीं था, लड़ने की अक्षमता नहीं थी, इस कारण से वो भी अधर्म को रोकने में सफल नहीं हो पाए। और एक व्यक्ति और इतिहास में वही सज्जनों ऐसे मिलते हैं जिनके पास में शारीरिक बल भी बहुत था और आत्मिक बल भी बहुत था, लेकिन वो उस समय वहां विद्यमान नहीं थे। कौन थे वो? उनका नाम था योगेश्वर कृष्ण। योगेश्वर कृष्ण एक ऐसे आप्त पुरुष थे। देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती ने योगेश्वर कृष्ण के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है और वो कहते हैं कि योगेश्वर कृष्ण आप्त पुरुषों के सदृश हैं। और आप उसे कहते हैं जिसने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई भी अधर्म का आचरण न किया हो, ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों में आप्त पुरुष कहा जाता है। और महर्षि दयानंद ने योगेश्वर कृष्ण के लिए आप्त पुरुष विशेषण का प्रयोग किया है, इसलिए पता चलता है कि वो योगेश्वर कृष्ण आप्त पुरुष थे। और कैसे थे, कितना बल था और कैसे पता चलता है, सुनिएगा जरा, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपके बीच।
कहते हैं एक बार अश्वत्थामा योगेश्वर कृष्ण के पास में गए और जाकर के कहने लगे कि भगवान मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। जब ये बात सुनी कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं तो कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे कि आप तो गुरु पुत्र हो और कृष्ण के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, मांगो क्या चाहते हो। तो अश्वत्थामा कहते हैं कि योगेश्वर कृष्ण मैं आपका ये सुदर्शन चक्र चाहता हूं, इसको मुझे दे दो। अब जब सुदर्शन चक्र का जिक्र आया तो कृष्ण मन ही मन सोचने लगे, मुस्कुराने लगे और अश्वत्थामा से कहते हैं कि इस चक्र को मांगने की तो हिम्मत आज तक अर्जुन ने भी नहीं की, लेकिन आप गुरु पुत्र हो, मांगने आए हो, आपको खाली हाथ भी मैं नहीं लौटा सकता, इसलिए जाओ मेरे शस्त्रागार में, वहां सुदर्शन चक्र रखा हुआ है, उठा करके ले जाओ। अब कहते हैं शस्त्रागार में अश्वत्थामा जाते हैं और जाकर के सुदर्शन चक्र की तरफ बढ़ते हैं और उठाने का प्रयास करते हैं, एडी चोटी तक का जोर लगा लेते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र को टस से मच नहीं कर पाते। और जिस सुदर्शन चक्र को महारथी टस से मच नहीं कर पा रहे, योगेश्वर कृष्ण कैसे चलाते थे उसको? एक उंगली से उठा करके घुमा करके चलाते थे, एक ऐसा अस्त्र उनके पास होता। इससे पता चलता है कि शारीरिक बल उनके अंदर कितना होगा, कितने बलिष्ठ होंगे, कितने बलवान होंगे। और आत्मिक बल का जब जिक्र आता है सज्जनों, तो जिस समय शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे कौरवों की सभा में और दुर्योधन उनको बंदी बनाने का प्रयास करता है, तो सभा के अंदर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं कि है किसी में हिम्मत जो मुझे बंदी बनाने का प्रयास करे, आओ मेरे साथ। इतना बड़ा आत्मबल शत्रुओं की सभा में जाकर के और एकदम से सबको ललकार देना, ये किसी बड़े आत्मबलशाली व्यक्ति का ही कार्य होता है। तो ऋषि लिखते हैं, आप पुरुष ऐसे वैसे नहीं लिखा है ऋषि, योगेश्वर कृष्ण के अंदर शारीरिक बल भी बहुत था, आत्मिक बल भी बहुत था और तभी तो वो सामाजिक उन्नति करने में सफल हुए, तभी तो अधर्मियों का नाश कराने में सफल हुए, तभी तो धर्म की स्थापना करने में सफल हुए। और ऐसा योगेश्वर जिसके बारे में, अरे जिस समय द्रौपदी चिल्ला चिल्ला करके सबसे कहती है कि तुम्हें भीम की गदा से डर नहीं लगता, दुशासन दुर्योधन से कहती है तो वो हंसते हैं, तुम्हें अर्जुन के गांडीव से डर नहीं लगता तो हंसते हैं, लेकिन जिस समय कहती है तुम्हें मेरे भाई योगेश्वर कृष्ण से डर नहीं लगता तो दुशासन झट से हाथ छोड़ देते हैं। पता चलता है कि योगेश्वर कृष्ण के नाम से डरते थे सब, इतना महान और आप्त पुरुष जिसके बारे में आज विभिन्न प्रकार के समाज में कुप्रचार किए जा रहे हैं, भिन्न भिन्न बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है जब मंदिरों में गीत बजते हैं मनिहारे का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, अपने महापुरुषों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहिए, उनके आचरण से सीखिए, उनके जीवन से सीखिए, उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार का आचरण किया है, किस प्रकार का व्यवहार किया है, अपने इतिहास से सीखिए कि वो कौन सी कमियां रही हैं जिन कमियों के कारण हम इतने लंबे काल तक विदेशियों के गुलाम रहे हैं, उन कमियों को सीखने का प्रयास कीजिए और उनको दूर करिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबसे बड़ी बात यही कही है कि यदि संसार का उपकार करना चाहते हो तो दो उन्नति तो आपको अवश्य करनी पड़ेगी, एक उन्नति है आपकी शारीरिक उन्नति और दूसरी है आपकी सामाजिक उन्नति, यदि आप दोनों उन्नति करने में सफल हो गए तो आप निश्चित रूप से समाज में एक सही आयाम स्थापित कर पाओगे, समाज में एक अच्छा दर्शन स्थापित कर पाओगे। इसलिए सज्जनों, वेद के सिद्धांत को जानने से पहले आर्य समाज के नियमों को पढ़िए, आर्य समाज की शरण में आइए, ये एक ऐसा संस्था है, ये एक ऐसा केंद्र है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर सबका सम्मान होता है, सबकी भावनाओं के साथ में प्रेम होता है और सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए सत्य के साथ में जुड़िए, वेद के साथ में जुड़िए, तभी सबका कल्याण निश्चित हो सकता है। ये थोड़ी सी बात मैंने आपके बीच में रखी है, आप सभी ने दचित होकर के सुना, सबका आभार, धन्यवाद, ओम शांति।